गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे हैं सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी का आज छठा क्लास है। छठा क्लास आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी वीडियो को आप कम से कम दो बार जरूर देखें। अगर आप दो बार नहीं देखते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक बार तो देखें ही। आप लाइव में सभी को रहना है। आप लोग जो है हम लाइव में देखते हैं कि आप कमेंट करके भाग जाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट है कि अपना नाम रोल नंबर कमेंट कर लिया और चला गया, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं कि कौन रहा, कौन कमेंट करके भाग गया। प्रिंसिपल सर बैठते हैं लाइव, प्रिंसिपल सर देखते हैं, इसीलिए आप सभी कमेंट करके जो है भाग जाने से नहीं होगा। आप सभी को लाइव रहना है और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। और एक बार लाइव देखना है, उसके बाद जब लाइव खत्म हो जाए फिर अकेले में बैठ करके उस वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होता है, आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दिया, तो सबके मामले में आप फोन कर सकते हैं। फोन करके बात करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, प्राइमरी सेल को तो हम लोग पढ़ लिए, उसमें से वोल्टिक सेल पढ़े, लैक्लांसी सेल पढ़े, डेनियल सेल पढ़े, शुष्क सेल पढ़े। शुष्क सेल में जो है एक मरकरी सेल बाकी रह गया है, आप उसी तरह सुन लें। मरकरी सेल यानी कि जो हैंड वॉच में जो घड़ी का बैटरी होता है छोटा छोटा सा, वो मरकरी सेल्स कहलाता है। आगे फिर से जब रिवीजन कराएंगे तब आपको फिर से बताएंगे। आज हम लोग सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसको क्या कर सकें, जिसको दोबारा हम लोग एक बार शुरू में तो चार्ज हुआ, फिर उसको हम लोग उपयोग कर लिए और उपयोग करने के बाद वह डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसको हम लोग दोबारा चार्ज रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं और दोबारा चार्ज करके उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो वही है सेकेंडरी बैटरी, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ये जो सेकेंडरी सेल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए आज हम लोग सेकेंडरी सेल देखते हैं। सेकेंडरी सेल में हम लोग देखेंगे लेड एसिड बैटरी। क्या देखेंगे? लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी लेड एसिड बैटरी तो आप सभी को ही देखे होंगे। आप सभी के घर में होगा, इन्वर्टर होगा, या आप जो है पहले देखे होंगे कि इस प्रकार से पानी वाला बैटरी रहता है। इस प्रकार बैटरी देखे होंगे, एक टर्मिनल यहाँ रहता है, एक टर्मिनल यहाँ रहता है, ठीक ना, और इस प्रकार से इसका इस प्रकार से बना हुआ रहता है। और बीच बीच में जो है क्या रहता है, गैस निकलने के लिए जो है बैटरी, और जो अंदर में होता है, अंदर में ऐसे ऐसे करके आपको बहुत खांचा खांचा, बहुत सारा खांचा खांचा आपको क्या मिलेगा,
अंदर में इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये लेड एसिड बैटरी आप जो है देखे होंगे, ऐसे आपको चित्र में हम दिखाते हैं कौन सा लेड एसिड बैटरी है। ये लेड एसिड बैटरी है, ठीक है, आप देखिए ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लेड एसिड बैटरी, इसी को जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। लेड एसिड बैटरी इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ होता है, तो आप इतना सारा चीज़ तो ऊपर से देख रहे होंगे। ये पानी देखने के लिए रहता है, जिसको वो खोलते हैं, इसकी खोल के देखते हैं कि पानी बैटरी में है कि नहीं, वो चेक करते हैं एसिड का लेवल हो। इसमें तो ये एक रेड कलर का रहता है, कैसा रेड कलर का रहता है जो प्लस होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का रहता है वो माइनस होता है। तो प्लस और माइनस का दो टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज इसमें होता है बैटरी में। ठीक है, सबसे पहले होता है कंटेनर। क्या होता है? कंटेनर। कंटेनर किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं, ये जो बॉक्स तरीके से है पानी में भरा हुआ रहता है बैटरी, वो है कंटेनर, उसको हम लोग कंटेनर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है प्लेट हो गया। इस प्रकार से इसमें से एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। ठीक है, यानी कि अगर छह को इस तरीके से है तो वो छह प्लेट का बैटरी होता है। प्लेट क्या हो गया? प्लेट यानी कि सेल कर सकते हैं, छह सेल का बैटरी या छह प्लेट का बैटरी। ठीक है, तीसरा होता है सेपरेटर। क्या होता है? सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है? सेपरेटर एक प्लेट को दूसरे प्लेट से अलग करता है। बीच बीच में आप देखे होंगे खांचा खांचा बना हुआ रहता है, वो सेपरेटर क्या करता है? एक प्लेट को दूसरे प्लेट से शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यहाँ जो है ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, सेपरेटर हो गया। उसके बाद वेंट प्लग। क्या क्यों चौथा? चौथा है वेंट प्लग। वेंट प्लग, वेंट प्लग क्या है? जिससे गैस निकलता है। ये चीज देखिए, ये जो है जितना प्लेट रहेगा उतना सारा चीज रहेगा, यानी छह प्लेट है तो एक यहाँ रहेगा, दो तीन चार पाँच छः, इसी प्रकार से रहेगा। तो ये है वेंट प्लग। ठीक है, ये क्या है? ये तो टर्मिनल है, ये वेंट प्लग है, जिसे क्या करता है जब चार्जिंग के समय या डिस्चार्जिंग के समय उससे गैस क्या होता है, फ्रीली निकल पाए, गैस निकल पाए। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं वेंट प्लग, ताकि जब चार्ज हो तो देखेंगे आप उससे गैस निकलता है, तो वो गैस क्या है, वो गैस बाहर निकल सके, इसलिए वेंट प्लग का प्रयोग किया जाता है, वेंट प्लग रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। पांचवा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसमें जो भरा हुआ रहता है द्रव, यानी क्या भरा हुआ रहता है? भरा हुआ रहता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ रहता है, और शुद्ध जल भरा रहता है H2O। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइट का नाम है H2SO4। ठीक है, और उसमें डिस्टिल वाटर, शुद्ध H2O, इसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर, उसमें पानी भरते हैं। ठीक है, सेल्स कवर होता है, इसको ढकने के लिए कवर भी लगा हुआ होता है। कवर, सेल्स कवर, इतना सारा चीज जो है आपको जानना है, इतना चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो सातवां नंबर लिख लें आप। ठीक है, धनात्मक टर्मिनल। धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक
टर्मिनल। इतना सारा चीज इसमें होता है, इसी चीज को आपको समझना है और इसी को जानना है। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? लेड एसिड बैटरी कैसा बैटरी है? लेड एसिड बैटरी सेकेंडरी बैटरी। आपको एग्जाम में आ जाएगा, कैसे आएगा एग्जाम में? आपको दे देगा इनमें से कौन प्राइमरी बैटरी नहीं है, इनमें से कौन जो है प्राथमिक सेल नहीं है, दे देगा वोल्टिक सेल, लेक्लांसी सेल, लेड एसिड सेल। तो आप क्या मानेंगे? लेड एसिड सेल प्राथमिक जो है सेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोग डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर दोबारा इसको चार्ज करते हैं, और दोबारा चार्ज करने के बाद रिचार्ज, दोबारा चार्ज करने के बाद फिर से उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर उसे चार्ज करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। उसमें से क्या क्या नाम है? सबसे पहले इसका नाम है, ये धनात्मक टर्मिनल हो गया, ये ऋणात्मक टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लेट हो गया। ठीक है, जितना प्लेट का, 6 प्लेट का रहता है, 12 प्लेट का रहता है, जितने प्लेट का बैटरी आप लेना चाहेंगे उतना प्लेट है। उसके बाद ये क्या है, ये है वेंट प्लग, इससे गैस फ्रीली निकलता है। ठीक है, कंटेनर, कंटेनर किसको कहते हैं, जिसमें सारा चीज भरा हुआ रहता है, जो बर्तन रहता है, जो खुलिया रहता है, जो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, वो कंटेनर कहलाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी बना हुआ रहता है। प्लेट, प्लेट तो आप समझ रहे हैं, ये चीज प्लेट है, यानी कि सेल। सेपरेटर, जो एक प्लेट को दूसरे प्लेट से अलग करता है, सेपरेट करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने का कार्य करता है, वो सेपरेटर कहलाता है। वेंट प्लग तो जान ही रहे, इलेक्ट्रोलाइट जान ही रहे, इलेक्ट्रोलाइट क्या, जो जो तरल पदार्थ इसमें बढ़ते हैं, तरल पदार्थ क्या है, H2SO4 और H2O, ये दोनों तरल पदार्थ H2SO4 और H2O, यानी कि डिस्टिल वाटर, यही इलेक्ट्रोलाइट के काम में करेगा। कवर जो इसको ढकने के लिए, ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल आप जान ही रहे, तो ये सारा चीज होता है, आप इसे नोट करें। इसमें जो प्लेट होती है, इसमें प्लेट की संख्या जो होती है, प्लेट का प्लेट सब विषम संख्या में होता है, प्लेट की संख्या, प्लेट की संख्या जो होगा क्या होगा, प्लेट की संख्या विषम संख्या में होगा 11, 13, 17, 23, 25, 11, 13, 17, 23, 25 इस तरीके से होता है। प्लेटों की संख्या 11, 13, 17, 23, 25 ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट की संख्या से एक अधिक रखा जाता है, इसीलिए एक बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, हमेषा जो है विषम संख्या में प्लेटों की संख्या होगी। ये चीज याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, क्यों, क्योंकि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट की क्या होती है, बराबर होती है, एक कम होता है, एक अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, एक अधिक होता है, ऋणात्मक प्लेट की संख्या एक अधिक होता है, इसलिए हमेशा लेड एसिड बैटरी में जो होगा वो प्लेट की संख्या विषम संख्या में होगा, 11, 13, 17, 23, 25। ठीक है, ये चीज आप नोट करें। और जो चार्ज और डिस्चार्ज होगा सब कैसे होगा, ये डीसी करंट से होगा, डीसी से चार्ज होगा और डीसी करंट भी हमको देगा। इसको विभिन्न वोल्टेज में हम लोग 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट आदि वोल्ट में इसको बना सकते हैं, इसको जो है उपयोग कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, कैसे समझेंगे कि डिस्चार्ज है, कैसे समझेंगे
कि फुल्ली चार्ज हो गया, कैसे समझेंगे कि डिस्चार्ज हो गया, इन सभी को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे नोट करें, ठीक है, देखें समझें और कृपया दो बार वीडियो को देखें, ठीक नहीं? चलिए।